देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी। उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे वो क्या? मेरे वो। कौन है वो? बताना कौन है। और कौन होगा? द वन एंड ओनली राज, विराज। राज। हाँ हेलो, ऐसे जोक मत मारो गीता, पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरी जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर राजा भी मुझसे प्यार करता है। मैं भी नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करेगा। इधर देख, राजा हम सबका बेटा है, हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। हे राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। गो 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 गो, जाओ 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 जल्दी। ओ अंकल, आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुपकर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी, क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो, तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। छोटी माँ, कम आउट। चाची, छोटी माँ, आप सब यहाँ पर? अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं। चाची आपने भी ओके बोला? हमने ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरे भी ओके है। चल ओके बोल दिया, आई लव यू, जा ऐश कर। और ये ले अपना व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम, सब कुछ चेंज कर ले। टिकट ये किसने तो हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है, अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूँ? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो। अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ।
हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जा। तुम उसे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम उसे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर। मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है, यही है। अरे अरे जल्दी आ राजा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया है। क्या वक्त रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ पता है पता है, वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो करने दो, मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा, आजा मेरे गले लग जा। ए करीमला, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिका ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा है क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता, छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की तेरी इन बातों से सोया हुआ शेर जग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा? मजाक करेगा? है? कोयता कहाँ गया? पता नहीं। ए, उसको मार डालेगा क्या? ए, तुम लोग क्या रहे, दोनों आपस में लड़ते रहते हो? हाँ, आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी, अभी बताओ इसे कैसे छोड़ूं? ए, तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे, अरे रे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। हाँ। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हैं तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे रहे, कपड़ा दे। केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? ए, 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा। ए, वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल डाल, केले के ऊपर डाल डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से डिटॉल सोप।
डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद है? ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? थू! इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है, तूने इस केले की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। ए सब लोग इसके केले को, अरे नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ।